जिस टीचर्स के साथ ये 5-6 टिकट का सवाल ये है कि दो शॉप्स है कपड़े की, एक ये शॉप है ए शॉप, एक बी शॉप। ए शॉप जो है उसके पास 1 लाख रुपए का सामान है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 लाख रुपए की है। जो बी शॉप है इसके पास इन्वेस्टमेंट है 3 मिलियन की, 30 लाख रुपए की। अब सबसे पहले जब ये ए शॉप वाला आदमी बाजार शॉपिंग करने के लिए जाएगा, अपनी दुकान के लिए माल लेने के लिए जाएगा, ये 1 लाख रुपए का माल लेगा, 30 लाख वाला 30 लाख रुपए का माल लेगा, तो इनमें से सस्ता माल अच्छे रेट पर किसे मिलेगा? 30 लाख वाले को ना होलसेल ज्यादा ले रहे थे। ओके, अब वैरायटी ज्यादा 1 लाख वाले के पास होगी कि 30 लाख वाले के पास होगी? 30 लाख वाले के पास होगी। दुकान अच्छी 1 लाख वाले के पास होगी कि 30 लाख वाले की होगी? ओके, अब आपके आपने शॉपिंग करनी थी, आप बाजार चले गए, ज्यादा वैरायटी आपने बताया कि 30 लाख वाले के पास है, ज्यादा क्वालिटी भी 30 लाख वाले के पास है और चीजें भी सस्ती उसकी है क्योंकि बल्क में खाएगी। अब आप मुझे बताएं, आप 1 लाख वाली शॉप से शॉपिंग करना पसंद करेंगे या 30 लाख वाली से? 30 लाख वाली से। इंटेलिजेंट डिसीजन क्यों? यस, क्वालिटी भी है, वैरायटी भी है, चॉइस भी ज्यादा है आपके पास और चीज भी सस्ती है। तो आपने 1 लाख रुपए जिसकी दुकान पे इन्वेस्टमेंट थी, आपने उसके साथ जुल्म तो नहीं ना किया, सही फैसला किया ना? एग्जैक्टली ऐसे ही जब आप किसी इदारे में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जब लोग अपनी अपनी सीवी सबमिट करते हैं तो जिस तरह आप दुकान पर जाने से पहले देखते हैं ना कितनी बड़ी दुकान है, वो एम्प्लॉयर जिसके पास आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं वो आपकी सीवी को इसी नज़र से देखता है कि इस आदमी ने अपने ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। एक आदमी ने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की है 500,000 की, एक ने की है 5 मिलियन की अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, तो वो किसे रखेगा? तो फिर जब भी नाइंसाफी तो नहीं ना हुई, उसने अपने लिए बेहतरीन फैसला किया। तो अगर आप चाहते हैं कि मार्शल में आपकी सही कीमत लगे, आपके स्किल्स की, आपकी पर्सनैलिटी जो है उसके रिगार्डिंग आपको मुआवजा मिले, तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना होगा और वो चीज़ें सीखनी होगी जो बाकी के पास नहीं है। अगर वही चीज़ें सीखते हैं जो सबके पास है तो फिर सारी गड़बड़ के दर्जे से हो जाती है, सबको तो नौकरी नहीं मिलती ना। उस जगह पर जहाँ आप जाना चाहते हैं उस जगह पर जाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा लेना होगा। एक बात बताइए मुझे, आप लोग ऑर्डिनरी लाइफ गुजारना चाहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओके, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ गुजारना चाहते हैं, अब मुझे बताइए कि ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या चीज बनाती है? जी, ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या चीज बनाती है? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, व्हाट एक्स्ट्रा? ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड एक्स्ट्रा बनाता है, एक्स्ट्रा स्किल्स, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा डेडिकेशन, एक्स्ट्रा कमिटमेंट, एक्स्ट्रा नॉलेज, ईटीसी, एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा। जब तक आप अपनी लाइफ में वर्ड एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे उस वक्त तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नहीं मिलेगी। तो फिर कौन कौन आज से वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है? सब